हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग दोपहर का 1:30 बज गया है, तो आज मैं बनाने वाली हूँ दही बड़े। तो मैंने सोचा चलो दोपहर को ही बना लेते हैं, सुबह तो बनाए नहीं थे। और शाम को बनाएंगे, ब्रेड के पकोड़े बनाएंगे या क्या बनाएंगे वो अभी सोचा नहीं है, क्योंकि आज हमारे घर पर बेसन नहीं है, बेसन ख़त्म हो गया है। और दुकान से हम लेकर नहीं आते हैं, घर पर ही पीसते हैं। पर आज रितिका के पापा खेत भी नहीं गए, तो देखेंगे दुकान से लेकर आएंगे तो ब्रेड के पकोड़े बना लेंगे, नहीं दही बड़े तो मैं बनाऊंगी। दाल मैंने भिगो रखी है और खटाई भी मैं घर पर ही बनाती हूँ। और वैसे डुलंडी पर हमारे यहाँ दही बड़े ही बनते हैं लगभग। तो चलिए पहले खटाई बना लेते हैं। तो अभी खटाई को मैंने अच्छी तरह से हाथ से पहले मसल लिया था, मिक्स कर लिया था, इसका गुद्दा सारा निकाल लिया है। और अभी इसे इस छलनी में से छान लेती हूँ। ये छलनी लस्सी छालने की छलनी है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, इसमें से अच्छी तरह से छन जाती है। और ये खटाई और दाल दोनों चीज़ मैंने सुबह ही भिगोई थी। सुबह मैं उठी थी 5 बजे के आसपास, तभी मैंने भिगो दी थी, शाम को मैं भिगोना भूल गई थी। खटाई को मैंने थोड़े से गर्म पानी में भिगो दिया था, गर्म पानी में भिगोते हैं तो बड़ी जल्दी घुल जाती है। तो लगभग खटाई तो मैं साथ साथ भिगोती हूँ, गर्म पानी में भिगो कर आधे घंटे के लिए रख देती हूँ, क्योंकि मैं सुबह बनाने वाली थी पर सुबह मैंने बनाई नहीं, क्योंकि अभी 3-4 दिन से मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। और एक बार बस दर्द होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर कई दिन तक दुखती है। इसी वजह से सुबह से आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पर दाल मैंने भिगोती थी और डुलंडी को हमारे यहाँ दही बड़े ही बनते हैं। मेरी मम्मी भी दही बड़े बनाती थी और मैं भी दही बड़े ही बनाती हूँ, खाने में बड़े अच्छे लगते हैं और कभी कभी बना लेते हैं। पर अभी तो कई दिन हो गए थे मैंने बनाई नहीं थी, क्योंकि दूध नहीं था तो दही नहीं बनती थी। तो ये देखिए दाल मैंने ये बिना छिलके वाली मंगाई थी, तो ये मैंने सुबह भिगो दी थी, अच्छी तरह से फूल गई थी। तो दाल को तो मैंने रख दिया नहीं चढ़ने के लिए, धोकर छलनी में डालकर। और अभी ये आधी कड़छी तेल रख दिया है मैंने गैस पर गर्म होने के लिए, तो तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया था तो जीरा डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद अभी इसमें मैं ये खटाई डाल देती हूँ। खटाई डालकर अभी इसे मैं 8-10 मिनट के लिए चलाती रहूँगी, लगातार छोड़ेंगे नहीं बीच में। और उसके बाद फिर इसमें मैं मसाले डालूँगी। तो अभी खटाई में उफान आ गया है, ये देखिए। तो अभी इसे गैस को मैंने कर दिया है थोड़ा सा मंदा, और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। मसालों में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला था, 4-5 काली मिर्च लूँगी मैं, और 2 लौंग और 1-2 इलायची। ये मसाले तो मैं ये अदरक कूटने की जो कुंडी है इसी में कूट कर डाल दूँगी। खटाई में मैं काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालती हूँ, और लौंग इलायची ये तो बस 2 लौंग और 2 इलायची डालती हूँ। काली मिर्च 5-6 डाल देती हूँ, या थोड़ी सी ज़्यादा भी डाल दें तो भी कोई आठ नहीं होती है। तो अभी काली मिर्च लौंग इलायची मैंने डाल दी हैं, और अभी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी मैं, और थोड़ा सा सफ़ेद नमक, और इसमें आधी चम्मच के आसपास अभी मैं काला नमक डाल देती हूँ। काला नमक डालने से खटाई बड़ी अच्छी बनती है। और ये देखिए अभी खटाई मेरी बन गई थी, तो अभी इसमें मैंने चीनी डाल दी है। चीनी डालकर गैस को मैंने फुल कर दिया है, और अभी इसमें मैंने डाल दिया आधी चम्मच गर्म मसाला, गर्म मसाला मिक्स करके। और अभी मैं गैस को कर दूंगी बंद। खटाई ठंडी होने के बाद थोड़ी सी अपने आप गाढ़ी हो जाती है, अभी तो थोड़ी सी पतली है ये। अभी खटाई को ठंडी होने के लिए ढक कर रख देते हैं, और अभी पीस लेते हैं दाल दही बड़े बनाने के लिए। दाल मेरी अच्छी तरह से निचड़ गई थी, और दाल को तो मैं मिक्सी में ही पीस लूँगी। पहले तो सिलबट्टे पर पीसते थे, पहले हमारे यहाँ मिक्सी नहीं थी तो हमेशा सिलबट्टे पर पीस कर बनाते थे, और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था सिलबट्टे पर पीसने में तो, और मिक्सी में तो बड़ी जल्दी पीस जाती है। तो ये देखिए पानी तो मैंने डाला नहीं था, बिना पानी डाले ही थोड़ी थोड़ी डालकर दाल को पीस लेते हैं। और मैंने ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसी थी, थोड़ी सी दरदरी सी पीस लेते हैं, जैसा हमारा मोटा गेहूँ का आटा होता है कुछ वैसी पीसती हूँ मैं तो, हमेशा एकदम बारीक नहीं पीसती हूँ दाल को।
और हमारे यहाँ लगभग डुलंडी पर दही बड़े या मूंग की दाल के पकोड़े, उड़द की दाल के पकोड़े यही बनता है। ब्रेड के पकोड़े भी बना लेते हैं, पर मूंग की दाल के पकोड़े और ये सब ज़्यादा बनता है। और मैं दही बड़े ही बनाती हूँ हमेशा ही। और अभी दाल को मैंने पीस लिया है, ये देखिए। और इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ भी मैं डालती नहीं हूँ, ना तो मैंने भिगोते टाइम डाला था और ना बाद में डालते हैं। बस अभी इसमें मैं डालूँगी आधी चम्मच के आसपास नमक। और बिल्कुल गाढ़ी पीसी है, मैंने पानी नहीं डाला था इसमें बिल्कुल भी। तो गैस पर तो मैंने रख दिया तेल गर्म होने के लिए, और तब तक ये दही मैंने जमाई थी। कल दूध ले लिया था रितिका के ताऊ के यहाँ से, 2 किलो दूध लिया था, तो उसी में से थोड़ा सा बच्चों निकाल लिया था, बाकी का मैंने दही जमा दी थी। तो ये देखिए, इसकी मलाई तो मैंने सारी निकाल दी है, क्योंकि मलाई कोई भी हमारे घर में खाना पसंद नहीं करता है, रितिका और शांत को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी से खाली कर लेती हूँ मैं दही बड़े डालने के लिए। इसमें पानी डालूंगी मैं डेगची में, और ये दही सारी मैंने स्टील की टोपी में निकालती है। और अभी तेल गर्म हो गया है, तो अभी मैं दाल में नमक मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाएंगे बड़े। और दाल को बस 5-7 मिनट के लिए फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, तो अपने आप फूल जाती है। मीठा सोडा वगैरह कुछ भी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अभी तेल हमारा गर्म हो गया है, और बड़े बनाने के लिए एक बार तेल को मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। उसके बाद फिर गैस को बंद करके थोड़ा सा ठंडा करके तेल को फिर से गैस को ऑन किया है। ज़्यादा तेल हमारा गर्म होता है तो फिर एकदम से सिक जाते हैं, और फिर बीच में से कच्चे रह जाते हैं। तो तेल थोड़ा सा गर्म करके फिर उसके बाद मैं ठंडा कर लेती हूँ, फिर उसके बाद बनाते हैं तो बड़े अच्छे बनते हैं खाने में। और पानी को मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था, बस जैसा ताज़ा पानी होता है, क्योंकि मटके का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था। और इन्हें अभी कढ़ाई में से निकाल कर सीधे मैं साथ साथ पानी में डाल दूँगी, और दाल को मैं साथ साथ हाथ से फेंटती रहती हूँ, तो दाल हमारी फूल कर डबल हो जाती है, जितनी मैंने पीसी थी उससे डबल हो जाती है। फेंटने के बाद एक बार कढ़ाई में डाल देते हैं, फिर उसके बाद हाथ से फेंट लेते हैं। तो ये देखिए, अभी दही बड़े मैंने सारे बना दिए हैं, और आज दही बड़े मैंने गैस पर ही बनाए हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज की धूप है, पर बच्चे सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मैंने सुबह ही बोल दिया था। बच्चों को तो पहले पता चल जाता है कि आज दही बड़े बनाएंगे, तो फिर बस कब बनेंगे कब बनेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज गैस पर ही बना लेते हैं, नहीं तो लगभग मैं खाना चूल्हे पर ही बनाती हूँ, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, लगभग 10 या 15 मिनट लगी थी बनने में। और ये लोहे की कढ़ाई, इसमें तेल बड़ी जल्दी गर्म हो जाता है, सिल्वर की कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो अभी दही बड़े सारे बन गए हैं, और अभी कढ़ाई को मैं उतार कर रख देती हूँ नीचे, और इन्हें थोड़ी सी देर के लिए रखा रहने देंगे, बाद में खाएंगे। मैं तो खाऊंगी नहीं, क्योंकि मैंने तो अभी गोली ली है, मेरी जाड़ में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो खटाई होती है इसीलिए बस। तो अभी मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा देती हूँ, और ये देखिए, लगभग 20 मिनट रखे रहने दिए थे मैंने, तो अभी फूल गए हैं। रितिका और ईशांत के लिए ही डालूंगी मैं, रितिका के पापा तो घर पर है नहीं, आज डुलंडी है तो बाहर गए हुए हैं। और दही को भी थोड़ी सी फेंट लेते तो ज़्यादा अच्छी लगती खाने में, पर इन दोनों बहन भाई को पसंद नहीं है, ये थोड़ी सी गले वाली दही ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए, मैंने बड़े डाल दिए हैं, और अभी दही डाल दी है, और अभी खटाई और डाल देती हूँ। और ये देखिए, रखी रखी खटाई अपने आप गाढ़ी हो गई है। और घर पर खटाई बनाते हैं तो खाने में बड़ी अच्छी लगती है, मोल की खटाई लेकर आते हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती खाने में। और बिल्कुल थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया है, क्योंकि नमक मैंने बड़ों में डाल दिया था, और एक एक चुटकी मैंने लाल मिर्च डाल दी है, बच्चे तो इतनी ज़्यादा मिर्च खाते नहीं हैं। और अभी इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा भुना हुआ जीरा और डाल देती हूँ। और दही बड़े खाने में बड़े अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे, अभी तो मैं खाऊँगी नहीं, शाम को खाऊँगी मैं तो। तो ये देखिए, अभी प्लेट मैंने लगा दी है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और अभी मैं करूँगी कुछ देर आराम, मेरी दांत में आराम हो जाएगा, दवाई लेने के बाद भी कुछ देर लग जाती है, हाथ लगभग आधा घंटा लगता है तब तक आराम होता है। तो चलिए, आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।